कलेक्टर से छपारा के अधियारी ग्रामवासी मिलने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जाए और कोतवाल को गांव से हटाया जाए, कोतवाल को प्रभार से भी हटाया जाए। चलिए जी, इंदिहारी ग्राम की घटना है। नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया गया है और इसके लिए ग्राम इंदिहारी की माताएं, बहनें और सभी गांव के बुजुर्ग साथी ये आवेदन लेकर के सरकारी कार्यालय के दफ्तर काट रहे हैं। एक दिन और छपारा कार्यालय तहसीलदार के यहां भी ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें भी कोई कार्रवाई इनकी नहीं की गई, ना कोई सुनी गई। और आज जिला कार्यालय कलेक्टर ऑफिस में आकर के सभी ग्रामवासियों, आदिवासियों ने मांग को लेकर आए। कलेक्टर सर से बात भी हुई, कलेक्टर साहब ने देख लेंगे करके। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर इनकी कोई मांग सुनी नहीं जाती तो ये आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे और छपारा में चक्का जाम करने का काम करने का करेंगे, ऐसा हम सब लोगों का। क्या मांग लेकर आए थे आप यहाँ पे? क्या मिला? हम सब लोगों की मांग थी कि जैसे कि शासन के द्वारा ऐसे कर्म करने वालों को घर, उनका घर में बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा हमने कई जगह देखा भी है, कई जगह बुलडोजर चले हैं। लेकिन आज इन ग्राम इंदिहारी की जो घटना में शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अगर ये कार्रवाई नहीं होती भी, इनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता, तो हम सब लोग उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे।